मोदी जी ने उनको जेल में डाला। आज केजरीवाल उन पर केस चलाने की अनुशंसा नहीं देते, मगर मैं बता देता हूं आप सभी को, ममता दीदी, केजरीवाल, लालू प्रसाद, राहुल बाबा, कम्युनिस्ट, कान खोलकर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है भारत की भूमि पर भारत विरोधी नारा जो लगाएगा, भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी, कहीं और हो नहीं सकती। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना आया हूं मित्रों कि आप सब लोग पूरे बिहार में घर घर जाकर सीएए के समर्थन में, नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में लामबंद होइए, अपने भाई बहन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए हैं उनको उनके अधिकार देने के लिए लामबंद होइए। इसलिए मैं आया हूं, कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा मोबाइल निकालिए तो, जरा जोर से अपने पॉकेट से मोबाइल निकालिए, कितने लोगों के पास है, सब लोग निकाले, जरा हाथ ऊपर करो, है ना, सबके पास है ना, मोदी जी का समर्थन करना चाहते हैं ना, तो मैं एक नंबर बोलता हूं, डायल करोगे, पक्का करोगे, तो मैं एक नंबर बोलता हूं, डायल मोड पर ले लीजिए मोबाइल को, डायल मोड पर ले लीजिए, आंकड़े निकाल लीजिए, मैं जोर से नंबर बोलता हूं, 8 8 6 6 2 8 8 6 6 2। अब डायल कर दीजिए, कितने लोगों ने करा, हाथ ऊपर करिए। मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं, इस नंबर को डायल कर मोदी जी का आप समर्थन करिए। मित्रों, कुछ लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अगला चुनाव कैसे होगा। मैं आज सारी अफवाहों का निरसन करने आया हूं, बिहार के अंदर अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लड़ने वाले हैं। ये जो लालू प्रसाद यादव को जेल में रहकर स्वप्न आते हैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के, उनको मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा जदयू का गठबंधन अटूट है, इसमें कोई सेंधमारी आप नहीं कर पाओगे। लालू प्रसाद जी, आपका शासन था, आपका शासन था 3% की दर से बिहार विकास कर रहा था, इतने सालों से 2005 से 2020 तक 11% की दर से विकास किया है, प्रति व्यक्ति आय 0.12% थी, आज 4% हो गई है, कृषि विकास दर 21% तक पहुंचा है, बिजली 7% घरों में पहुंची है और सड़क 93% गांवों में पहुंची है। आप लालटेन युग छोड़कर गए थे, हम एलईडी युग तक लेकर आए हैं। आप लूट ऑर्डर का राज चलाते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर का राज चलाते हैं, आपने गायों का